वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, इस वीडियो में जुलाई, अगस्त और सितंबर माह की बात करेंगे। इन तीनों माह में छोटी अवधि में एक ही राशि पर संचार करने वाले ग्रहों सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध की आप पर विशेष रूप से कृपया बरसेगी। ब्रह्मांड के इन महत्वपूर्ण ग्रहों के प्रभाव से आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म प्रदान बनेंगे, परंतु भाग्य भी आपके पीछे पीछे भागा चलाएगा। आपको भाग्य एवं कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। इससे आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। ग्रह गोचर के अनुसार अब वह समय आने वाला है जब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत, पराक्रम और प्रयासों से आप लाभ मार्ग प्रशस्त करेंगे। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? वृश्चिक राशि के अलावा वृश्चिक लग्न वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, भाग्य, करियर, शिक्षा, दंपत्य जीवन, प्रेम संबंधों और आर्थिक दृष्टिकोण से यह तीनों माह क्या संकेत दे रहे हैं। जुलाई माह की शुरुआत में ही 1 जुलाई को महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल जाएगा, जब 1 जुलाई को मंगल नीच राशि से मुक्त होकर कर्म भाव और मित्र राशि में प्रवेश कर जाएगा। भाग्य भाव से नीच मंगल के प्रस्थान करते ही भाग्य, धन, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि आएगी। राशि स्वामी मंगल का बल बढ़ेगा। मंगल के प्रस्थान करते ही भाग्य भाव पर संचार कर रहे शुक्र के भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। कर्म भाव पर मंगल के प्रवेश से कार्य क्षेत्र में आप जोश और ऊर्जा शक्ति युक्त दिखाई देंगे। जोश और उत्साह की अधिकता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेंगे। ऊर्जा की अधिकता से आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव भी पैदा हो सकता है, इसलिए खासकर कार्य क्षेत्र में क्रोध से बचना होगा, क्योंकि इस समय कर्म भाव और मंगल दोनों शनि की वक्र दृष्टि में भी रहेंगे। नौकरी पेशा दोस्तों को अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ विवादों से बचना होगा। जोश जोश के साथ होश भी बनाए रखें। उधर भाग्य भाव पर शुक्र का संचार अत्यधिक उत्तम बना हुआ है। भाग्य भाव पर शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। दंपत्य भाव के स्वामी शुक्र के भाग्य भाव पर संचार से जीवन साथी के माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। 7 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक शुक्र कर्म भाव पर संचार करेगा। आपकी राशि के व्यापार और विदेश भाव के स्वामी शुक्र का कर्म भाव पर संचार विदेश से तार जुड़ेगा। वह दोस्त जो अपने कार्य व्यापार का विस्तार विदेश तक करने के इच्छुक हैं तथा इसके लिए प्रयासरत हैं, उन्हें शुक्र के इस गोचर का लाभ मिलेगा। खर्चे के भी कुछ योग बनेंगे, परंतु इस अवधि में कार्य क्षेत्र में स्त्री पक्ष के साथ नोक झोंक और वाद विवाद से बचें, दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, 8 जुलाई और 17 जुलाई को आपकी राशि पर महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। 8 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान से मुक्त होकर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो 17 जुलाई को सूर्य भी बाधक स्थान से मुक्त हो जाएगा। सूर्य के बाधक स्थान से मुक्त होने पर करियर में पेश आ रही विघ्न, बाधा और विपत्तियों का नाश होगा। खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त, दोनों राशि परिवर्तन वृश्चिक वालों के लिए काफी अनुकूल रहेंगे। भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। 25 जुलाई को बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन पर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। लाभ आपके स्वामी बुध का कर्म भाव पर संचार अत्यधिक उत्तम रहेगा। अगस्त और सितंबर माह तक बुध कर्म भाव पर ही गोचरस्थ रहेगा। अब आपको कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत और पराक्रम के साथ बौद्धिक योग्यता का भी भरपूर लाभ मिलेगा। अपने बुद्धि बल से कार्य, व्यवसाय और व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों को भी बुध की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा।
7 अगस्त को शुक्र वक्री अवस्था के कारणवश एक बार फिर भाग्यवान में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र की यह स्थिति अत्यधिक भाग्यवर्धक है। 7 अगस्त से लेकर पूरे सितंबर माह तक शुक्र भाग्यवा पर ही गोचरस्थ रहेगा, जो भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेगा। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने और यात्रा करने के मौके मिलेंगे तथा जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं या कोई धार्मिक यात्रा वगैरह हो सकती है। प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र के भाग्यवा पर संचार का वृश्चिक राशि वाले प्रेमियों को भी बहुत लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेम संबंधों के मामले में भाग्य का सहयोग प्रेमियों के साथ बना रहेगा। 17 अगस्त और 18 अगस्त को अति उत्तम बदलाव देखने को मिलेंगे। इस समय ब्रह्मांड के 2 महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन वृश्चिक वालों के लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगा। 17 अगस्त को ग्रहों का राजा प्रतापी सूर्यदेव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा तो 18 अगस्त को पराक्रमी मंगल लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। दोनों राशि परिवर्तन वृश्चिक वालों को मौज करा देंगे, गेम चेंजर साबित होंगे। कर्म भाव कुंडली का बहुत ही शुभ और शक्तिशाली भाव है। आपकी राशि का कर्म भाव सूर्य का अपना भाव है। आप ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव का अपने ही भाव पर संचार आपके रूप और रुतबे में वृद्धि कर यश पद प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाएगा। अधिकार पसंद सूर्य का शुभ गोचर कार्य क्षेत्र में आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। लंबे समय से पदोन्नति की इंतजार कर रहे नौकरी पेशा दोस्तों की इंतजार सफलतापूर्वक संपन्न हो सकती है। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी रोजगार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा दोस्तों के इस समय अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे, वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। मान सम्मान कारक सूर्य की शुभता से कार्य क्षेत्र में आपको सब सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। सूर्य और कर्म भाव दोनों शनि की वक्र दृष्टि से भी ग्रस्त है, इसलिए आपके बढ़ते प्रभाव से चिढ़ने वाले षड्यंत्र रचते हुए दिखाई देंगे। आपकी टांग खींचने और मान सम्मान में कमी करने के पुरियोर प्रयत्न करेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जाँच परख कर ही कोई कदम आगे बढ़ाएं। उधर लाभ भाव पर मेहनती और पराक्रमी मंगल का संचार अत्यधिक लाभप्रद बना हुआ है। आपकी मेहनत पराक्रम और प्रयासों से आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। राशि स्वामी के रूप में मंगल का लाभ भाव पर संचार और अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। वह दोष जो भूमि भवन का क्रय विक्रय करने के लिए प्रयासरत हैं उन्हें भी मंगल की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करने वाले दोस्तों को कमीशन के रूप में मोटा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। 17 सितंबर के बाद लाभ भाव और अधिक मजबूत स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि इस दिन प्रतापी सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब लाभ भाव पर सूर्य और मंगल का युति योग हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। सरकार और पिता के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी परिस्थितियां काफ़ी अनुकूल बनी हुई हैं। मित्रों पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, वह भी आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी सितंबर माह काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। इस समय विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूरा फल सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। कुल मिलाकर वृश्चिक वालों के लिए यह समय अत्यधिक उत्तम रहेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।